Very good afternoon, friends. I hope you all are fine. This is Sumesh Khandelwal, co-founder BookMyAdmission. I welcome you all in this webinar, a very special and very important webinar on the topic NEET 2018 seat distribution and MBBS admission strategies. You must be watching and listening on computer, laptop, mobile, sitting at your home. I hope you all are very comfortable. This technology is helping us a lot. In this scorching summer, we are not required to go out to get knowledge. Now knowledge is coming to your digital screen. So I hope that in next 45 minutes, this webinar will be fruitful for you. And we are going to discuss topics like what after NEET 2018 result, how would be the admission process in MBBS and BDS, medical seats distribution, breakup category wise, and what can be NEET 2018 admissions would be and cutoffs, and what we can learn from NEET 2017 results. We also go through with the whole admission procedure, which you will supposed to follow from next month. We will also discuss which all are the places your NEET score can get you a medical seat. Guys, before going ahead, I would also like to mention one story, which since morning I'm sharing with many people today. This story is about Laduba, a smasher of caste ceiling. This is a story I come to know by today's Times of India. This Laduba's story is like this, that she is a lady who is working as homemaid. Ye jo amma ji hain, wo gharon mein kaam karke apna ghar chalati thi. Ek din unka beta bimar hua. उनके बेटे को वो लेकर हॉस्पिटल गई. हॉस्पिटल में उस उनके बेटे का पूरा ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत फाइनेंशियली पुअर थी और डॉक्टर ने भी उनको जो दवाई दी वो इस तरह से दी जैसे कि वो कोई उनको भीख दे रहे हैं. मुझे नहीं पता उस दिन उस लाडू माँ, क्योंकि आज मदर्स डे भी है तो ये स्टोरी का आज रेफरेंस लेना लाजमी भी है. एक माँ क्या कर सकती है और एक हिंदुस्तान जैसे देश में एक क्या क्या हो सकता है. एक घर में काम करने वाली लेडी, दूसरों के घरों में काम करने वाली लेडी के वो जो दो बेटे थे जिसमें से एक बेटे का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था ढंग से, वो दोनों बेटे आज की तारीख में इंडिया में डॉक्टर हैं और इन दोनों डॉक्टर्स ने कसम खाई है कि वो लोग अपने पेशेंट से 5 रुपए कंसल्टेशन फीस लिया करेंगे. ओके, पिछले साल ये जो लाडूबा हैं उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है. ओके, सो आप सोच सकते हैं कि ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हमारे यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है. एक गरीब परिवार से पढ़ने वाले दो बच्चे आज डॉक्टर हैं और आज हम उसी डॉक्टर की पढ़ाई के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा ये एग्जाम्पल, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, हो आपको भी अच्छा लगा होगा. आगे चलते हैं. आफ्टर दिस वेबिनार वी हैव अनदर वेबिनार्स आल्सो फॉर द सेम पीपल. आपके लिए ही हम लोगों ने एक नेक्स्ट एपिसोड भी रखा है. जो आज के वेबिनार में हमारा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को कंसंट्रेट करके बात करेंगे हम. और आज के अगले वेबिनार्स में हम लोग जो आज टॉपिक हमसे नहीं हो पाएंगे वो हम नेक्स्ट वेबिनार में जरूर लेंगे. ओके, तो हम शुरू करते हैं. मेरा नाम सोमेश है, सोमेश खंडेलवाल, एंड आई को फाउंडेड विद माय ब्रदर एंड फ्रेंड्स मेंटर इन 2004. और पिछले 15 साल से काफी कुछ हमें एक्सपीरियंस हुआ है, ऑब्जर्वेशन हुआ है, वही सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला. सबसे पहले हम बात करते हैं नीट की.
NEET is what? NEET is to bring all medical aspirants of India under one ambit nationally. Supreme Court of India has made NEET mandatory for all admissions to MBBS and dental courses. Previously, it was very painful economically and mentally. Also for a student to appear for different admission tests of various colleges. But now, NEET is the only exam to be considered for the admission process to all the MBBS and BDS seats within and outside India. Okay. तो अभी इस साल आपने नीट दिया है या आप लोगों में से कुछ लोगों ने पिछले साल दिया होगा और रिपीट किया होगा और आपको पता होगा पहले हर स्टेट का अपना अलग एग्जाम हुआ करता था इधर से उधर बच्चे जाते रहते थे पूरे इंडिया में घूमते रहते थे एग्जाम देते रहते थे कहां पर एडमिशन हुआ कहां नहीं हुआ बहुत बहुत मुश्किल था लेकिन ये नीट के लिए मैं अपनी भारत सरकार को हेल्थ मिनिस्ट्री को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सीबीएसई को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है नीट को ऑर्गेनाइज करके हाँ एक दो साल से ये हुआ है इसलिए थोड़ी मुश्किलें आई थी पिछले साल पेपर भी लीक हो गया था उसकी वजह से बहुत मिसमैनेजमेंट हो गया था लेकिन इस बार की तो तारीफ करने के लायक है एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया और अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा अब सोच सकते हैं 13-14 लाख लोग स्टूडेंट कोई एग्जाम दे रहे हैं 65,000 सीट्स हैं 400-450 कॉलेजेस हैं कितने सारे लोगों का स्टेक है कितने सारे लोगों को अपना करियर बनाना है कितने सारे लोगों को पढ़ाना है रिक्रूट करना है ये भारत में ही पॉसिबल है देखिए मैं बहुत देश घुमा हूँ बहुत सारे देशों में मेडिकल एजुकेशन देखी है लेकिन ये जो नीट का पूरा हमारे यहाँ पर जो मैकेनिज्म है दैट इज वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल There are around 400 medical colleges are in India having 65,000 approx seats in total and around 14 lakh students aspiring for becoming a doctor or dentist and writes NEET. NEET is an only way now for an Indian student to do MBBS program in India or abroad. Okay. Haan, AIIMS and JIPMER exam are required for taking admission in their purview colleges. NEET is not applicable there. Okay. तो ये दो ही संस्थाएं ऐसी हैं जो नीट को नहीं मानती हैं बाकी पूरे देश में सभी मेडिकल कॉलेजेस नीट के अंडर ही आते हैं नाउ क्वालिफाइंग नीट इज आल्सो मैंडेटरी फॉर जॉइनिंग एनी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी आल्सो एवरी ईयर अराउंड 25,000 इंडियन स्टूडेंट्स आल्सो गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडिंग मेडिसिन ठीक है तो अब मेडिसिन करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को अगर मेडिसिन करनी है चाहे वो इंडिया में करें चाहे वो अब्रॉड में करें नीट देना है देना है देना है और नीट में क्वालिफाई भी करना है ठीक है हु ऑल आर एलिजिबल एंड रिक्वायर्ड टू गिव नीट इंडियन नेशनल्स नॉन रेजिडेंट इंडियंस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पर्संस विद इंडियन ओरिजिन एंड फॉरेन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अपियर इन नीट ओके अब देखिए कितने मजे की बात है अगर किसी को इंडिया में इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी है इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री करनी है तो भी उन्हें नीट देना होगा चाहे वो यूएस का सिटीजन है चाहे वो कनाडा का सिटीजन है चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है चाहे वो इंडिया से गए हुए हैं कुछ भी हो अगर आपको इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आपको नीट देना है ठीक है दूसरी बात अगर आपको आप इंडियन हैं और आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाके मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो भी आपको नीट से ही शुरुआत करनी है तो भी आपको नीट ही देना है सही है तो नीट इज द स्टार्टिंग पॉइंट मेडिकल में जाना है डॉक्टर बनना है इंडियन है या इंडिया में करना है या फॉरेन में करना है नीट की एग्जाम देनी है और नीट में क्वालिफाई होना है राइट वेरी गुड What are the types of medical colleges where NEET through admission are possible? All type of like state government colleges, वहाँ कोई management कोटा नहीं होता है, fees भी बहुत कम होती है. Self finance colleges, उनके यहाँ management कोटा होता है, NRI कोटा होता है. वो किस-किस तरह के होते हैं? They are running under public-private partnership, run under trust, or maybe run by some private bodies. Okay, these are the type of colleges. Where Indian student take participate in admission process through NEET.
फीस कैसी होती है, व्हाट इज द फीस ऑफ एमबीबीएस इन डिफरेंट कॉलेजेस. एवरेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस होती है वो करीबन 4,500 रुपए से लेकर 15,000 पर ईयर होती है. सही है. अब देखिए ये भी मजे की बात है कि ये इंडिया में हमारे यहाँ पर बीकॉम की भी वही रेट है जो एमबीबीएस की है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए ऐसा है. गवर्नमेंट अच्छे डॉक्टर बनाना चाहती है और अच्छे डॉक्टर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करती है, राइट. जो पीपीपी मॉडल में जो कॉलेजेस चलते हैं उनकी एवरेज फीस 3-3.5 लाख रुपए सालाना होती है. जो ट्रस्ट के द्वारा चलते हैं पूरे इंडिया में कॉलेजेस, उनकी करीबन 4.25-7 लाख के आजू बाजू पर ईयर की फीस होती है. डीम यूनिवर्सिटीज में 15 लाख से 25 लाख के बीच की फीस होती है, ठीक है. और अगर हम इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी जोड़ देंगे तो करीबन 20 लाख से 40 लाख के बीच में वहां का भी खर्चा पढ़ाई का होता है. तो ये हुई हमारी मेडिकल एजुकेशन की खर्चा. अब बात आती है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू गो अहेड इन दिस करियर फॉर एन इंडियन स्टूडेंट. ओके, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी. देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो हम बता देते हैं. नीट जो है उसमें आपका अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आता है तो उसको 50th परसेंटाइल मिनिमम लाना होगा. जनरल कैटेगरी 50th परसेंटाइल, रिजर्व कैटेगरी 40th परसेंटाइल. अगर आप कोई स्टूडेंट हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं लेकिन फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उन्हें 45th परसेंटाइल लाना होगा. अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें भी मिनिमम 40th परसेंटाइल तो लाना ही होगा, ठीक है. दूसरी बात, ये तो ही एक बात, ये हुआ क्राइटेरिया नीट क्वालिफाइंग मार्क परसेंटाइल का, ठीक है ना. इतने आए तो ही आप कहलाएंगे कि आपने नीट पास किया है और इतने तो ही आप नीट का जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे. चाहे आप अब्रॉड जाइए तो भी यही चलेगा, इंडिया में आपको पार्टिसिपेट करना है एडमिशन काउंसलिंग में तो भी यही क्राइटेरिया चलेगा. 50th फॉर जनरल, 40th फॉर रिजर्व और 45th फॉर जनरल पीएच एंड 40th फॉर रिजर्व पीएच. पीएच मींस फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है भैया. अब हम आगे चलते हैं कि 12th में हमारा कितना क्या होना चाहिए. तो 12th स्टैंडर्ड यू मस्ट पास इंडिविजुअली biology and biotechnology, chemistry, physics and English. These four subjects you must pass individually. And in aggregate, minimum score marks not less than 50% for general category and for 40% for reserve category. For benchmark PH, it is general category 45% and for reserve category 40%. ठीक है? तो ये आपको 12th board में इतने marks तो लाने ही होंगे. अब ये बात अलग है कि ये तो बहुत आपने साइंस लिए तो ये तो मिनिमम हर स्टूडेंट लेके आता ही है. साइंस स्टूडेंट्स के तो 80% 90% 70% बनते ही हैं, ओके. नीट रिजल्ट एप्लीकेबल फॉर द करंट ईयर ओनली. हाँ, नीट जो है वो एक ही साल चलेगा. अगर आपने इस साल नीट दिया है और आपने इस साल ही एडमिशन ले सकते हैं. अगर आपको अगले साल एडमिशन लेना है तो अगले साल का नीट देना, ठीक है. अच्छा, एज की बात, मिनिमम 17 ईयर ऑफ एज एज ऑन द करंट कैलेंडर ईयर 31st दिसंबर. ये जो आने वाला 31 दिसंबर है 2018 का, उसके पहले पहले आपको 17 साल का हो जाना होगा. 17 साल खत्म करके 18 का शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है. तो ये एज क्राइटेरिया होता है. अब आप समझ सकते हैं कि एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए आपको 17 तो पार करने ही होंगे. अब आपने सुना होगा एक नीट पीजी भी होता है, तो मैं दो लाइन उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा. एक होता है नीट यूजी जो आप सबने दिया है और एक नीट पीजी जो आप लोग जब देते हैं जब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है एमबीबीएस के बाद. नाउ हेल्थ मिनिस्ट्री एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल्सो मेड अ सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स हु आर स्टडीड एट एनी मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया also have to write screen test which earlier only foreign medical graduates needs to give. सही है? क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ
कि जो आपने सुना होगा कि जो स्टूडेंट्स जो बच्चे फॉरेन से ग्रेजुएट होके आते हैं मेडिकल में, उन्हें एक एग्जाम देनी होती है इंडिया का लाइसेंस लेने के लिए। अब खुशखबरी ये है कि जो बच्चे इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज से पढ़े होंगे उन्हें भी वही एग्जाम देकर इंडिया का लाइसेंस लेना होगा, चाहे वो इंडिया के किसी भी कॉलेज में पढ़े हों, लेकिन वो एग्जाम देके ही उन्हें इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। तो इससे ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ग्रेजुएट्स और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ला दिया, जाते वक्त नीट दीजिए और आते वक्त नेक्स्ट दीजिए, सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत बढ़िया काम और किया है हमारी सरकार ने। उन्होंने क्या किया है कि अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी अलग से नीट पीजी नहीं देना होगा। क्या देना होगा? आपको वही नेक्स्ट एग्जाम देना होगा जो आप लाइसेंस के लिए लेने वाले हैं, और उसी के मेरिट के बेसिस पर आपको पीजी सीट अलॉट हो जाएगी, सिंपल। सही है, आपको कोई एग्जाम एक्स्ट्रा नहीं देना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, केवल आपका जो लाइसेंस एग्जाम होगा जिसका नाम नेक्स्ट है उसको आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके दे दीजिए और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं। विच ऑल प्लेसेस योर नीट स्कोर कैन गेट यू अ मेडिकल सीट? एनीवेयर इन इंडिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ग्रांटिंग एड मेडिकल कॉलेज एंड फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस। Admissions to all seats of MBBS and BDS will be done through NEET. There are following quota seats available. What are the quotas we have? All India quota seats, state government quota seats, central institution or universities and deemed universities quotas, state management NRI quota in private medical colleges and dental colleges or any private universities, central pool quota seats. Okay, तो ये जो कोटा है वो सबसे सबसे बड़ा, सबसे जो पहला कोटा आता है वो आता है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा का क्या सिस्टम है कि हर स्टेट के हर मेडिकल कॉलेज को अपनी अपनी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में देनी होती है। वो 15-15 सीट बनकर एक ऑल इंडिया कोटा बनता है, और उसके बाद जितने भी बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया होता है उनकी एक मेरिट बनती है, और उसमें जो टॉप बच्चे होते हैं हर कैटेगरी के, वो कैटेगरी की बात भी हम आगे करेंगे, उन लोगों को वो सीट अलॉट हो जाती है। एक बार वो सीट अलॉट हो गई उसके बाद जो बाकी की जो 85% सीट्स होती है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती है, और वो उसको अलॉटमेंट का काम उनका होता है। तो वो भी फिर हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं उनका जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो आज भी सेंट्रलाइज्ड ही होता है। ठीक है, उसकी भी जो एनआरआई सीट्स हैं या मैनेजमेंट सीट्स हैं वो नीट के थ्रू ही भरी जाती है। लास्ट ईयर तेलंगाना और ये अपना आंध्र प्रदेश ने कहा था कि हम अपना कोटा नहीं देंगे, लेकिन फिर एंड में 2017 के एंड में उन्होंने भी 15-15% कोटा देना शुरू कर दिया। ओके, और जम्मू कश्मीर ने अभी तक अपना 15% कोटा देना शुरू नहीं किया है, तो उसका इम्प्लीकेशन ये है कि वहां के स्टूडेंट्स को भी फिर ऑल इंडिया रैंकिंग, ऑल इंडिया कोटा से सीट्स नहीं मिलती हैं। ओके जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ अपने वेबिनार में बहुत काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी हैं, पूना से दिख रहे हैं मुझे, और गुजरात से दिख रहे हैं, राजस्थान से दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से दिख रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, हुबली से भी हैं, लखनऊ से भी हैं, कोलकाता से भी हैं, गुड। तो ये चीज हम लोग की, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो चैट बॉक्स है, आप जो वेबिनार का जो ये पूछ रहे हैं देख रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चंस भी अपने पूछ सकते हैं। मैं लास्ट में ट्राई करूंगा कि मैं आपके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। ओके, नहीं तो फिर पर्सनली आप हमें हमारी टोल फ्री नंबर पे, या जो करियर एडवाइजर्स हैं जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है मेरे टीम के साथ ही, जैसे पुणे से सौरभ है, रितेश है नागपुर से, महाराष्ट्र से मिलिंद हैं, कर्नाटका से अश्विन है, कर्नाटका से उत्तर प्रदेश आनंद हैं, गुजरात से पार्थी मैम हैं, रोमेश सर हैं, गायत्री मैम हैं, हर्षदा मैम हैं, ब्रजेश सर हैं, ये सब लोग जो है राजस्थान से हैं। तो ये सब जो आप इनसे भी क्वारी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली टोल फ्री मैं भी आपको लिखवा दूंगा, टोल फ्री पे भी आप पूछ सकते हैं, और अभी भी यहाँ पर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में।
How is the seat distribution and allotment will happen? मैंने आपको बताया already कि 15% पहले distribute होगा और फिर बाकी का जो 85% है वो distribute होगा. ठीक है ना? अब जो एक चीज और भी समझने की है कि ये तो हुआ कोटा, सीट, एलिजिबिलिटी. अब एक होता है कैटेगरी. अब इंडिया में हमारे यहाँ पर कुछ तीन चार तरह की कैटेगरीज भी होती हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जाता है ताकि उनका एडमिशन सबका सभी कैटेगरीज में हो पाए. तो उसमें मान लीजिए कि इंडिया में अगर 100 सीट है ना, अगर इंडिया में एक 100 सीट है तो उसमें से 7 सीट जाएगी एससी को, ओके, शेड्यूल कास्ट. 15 सीट्स विल गो टू शेड्यूल ट्राइब, ओके, एंड 27 सीट्स विल गो टू सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को 27%, और 3% सीट जाएगी हमारे फिजिकली हैंडीकैप भाइयों को और बहनों को. ठीक है? यस, दीज कैटेगरीज आर नॉट इन्वॉल्व विद मैनेजमेंट इन एनआरआई. एनआरआई और मैनेजमेंट में ये कैटेगरीज नहीं चलती है. ठीक है ना जी? चलिए हम आगे चलते हैं. अब मैं आपको कट ऑफ तो मैंने पहले भी बताया था, ये एक बार बस सामने आप पढ़ लीजिए. अगर आप जनरल कैटेगरी में है कोई तो मिनिमम 50% लाना होगा नीट में क्वालिफाई के लिए. अगर जनरल फिजिकल हैंडीकैप है कोई तो 45%, एससी एसटी ओबीसी तो 40%. ठीक है ना? अब एक बहुत मजे की बात है कि हर स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि वेयर डू आई स्टैंड एंड हाउ आर माई चांसेस. हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है और उसकी क्या सिचुएशन रहने वाली है अगले 2-3 महीने में, 1 महीने में मेडिकल एडमिशन में. तो हम लेट्स चेक कैटेगरी वाइज नीट 2017 कट ऑफ मार्क्स. नोइंग द सीबीएसई नीट कट ऑफ 2017 इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एस्पिरेंट्स अपीयरिंग 2018 सेशन. द कैंडिडेट्स कैन शूट फॉर द स्टार्स विद द प्रीवियस ईयर्स कैटेगरी वाइज मार्क्स. इट विल हेल्प देम to set their goal for the desired cut-off marks. CBSE was responsible for the conduct of exam along with deciding NEET result date and declaration of cut-off marks and result. The admission process in medical colleges come under the hat of MCC, Medical Council Committee. ठीक है ना? CBSE ने अपना आधा से ज्यादा काम कर दिया है, एग्जाम कंडक्ट कर दिए हैं, अब उसको केवल अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना है, कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर करने हैं, और ये जो खजाना है एडमिशन का हमारे एमबीबीएस की सीट्स का इंडिया में, उनकी चाबी एमसीसी को दे देने की है, और फिर एडमिशन का आगे का जो सारा प्रोसेस होगा वो वही लोग संभालेंगे. अब एक बहुत मजेदार डेटा हमने यहाँ लिखा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है, नीट कट ऑफ मार्क्स रेंज एंड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स. ठीक है ना? अब जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे वो टोटल पिछले साल करीब 5.5 लाख स्टूडेंट पास हुए थे, क्वालिफाई हुए थे, और उनकी जो रैंकिंग थी, जो कट ऑफ मार्क्स थे उनके, जो कट ऑफ मार्क्स थे वो 131 मार्क्स से लेकर 697 मार्क्स तक थे. ठीक है? क्योंकि जो टॉपर लड़का आया था उसके हाईएस्ट मार्क्स जो आए थे जिस लड़के के, उसके 697 आए थे. और जनरल कैटेगरी में टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट थे 5,43,000, जिनके मिनिमम 50th परसेंटाइल तो आए ही थे. ओबीसी में जिनको 40th परसेंटाइल की जरूरत होती है तो 107 से लेकर 130 तक ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें ये क्वालिफाई हुए थे ओबीसी में, वो थे 47,000 स्टूडेंट्स. ओके, एससी में थे 14,000 स्टूडेंट्स, एसटी में थे 6,000 स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी में पीएच थे 67 स्टूडेंट्स, जनरल ओबीसी कैटेगरी में पीएच थे 152 स्टूडेंट्स, एससी कैटेगरी में पीएच थे 38 स्टूडेंट्स, और एसटी कैटेगरी में पीएस थे 38 स्टूडेंट. ओके, तो इस तरह से टोटल 6 लाख के आजू बाजू स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे लास्ट ईयर. ओके, अब ये क्यों जानना जरूरी है हमारे लिए, वो इसलिए क्योंकि सीट तो हमारे पास 65,000 है और क्वालिफाई लोग हुए हैं 6 लाख,
इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मेरिट का तरीका निकाला है ताकि जो स्टूडेंट अपनी अपनी कैटेगरी में टॉपर्स हैं उन्हें उनमें वो 65,000 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो लास्ट ईयर करीबन जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनमें से 53.60% बच्चे क्वालिफाई किए थे। ठीक है ना। अब एक बहुत दूसरा एक इंटरेस्टिंग, आप अपने अपने मार्क्स निकाल लीजिए क्योंकि आप लोगों ने जब 6th मई को नीट दिया था तो उसके बाद शाम तक अगले दिन तक आपके पास की आ गई होगी और उस की के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स भी निकाल लिए होंगे। इतने तो होशियार हैं आप लोग, मुझे पता है। तो ये जो मार्क्स आपने निकालने हैं तो अब हम आपको रैंक भी बताने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर का जो रैंक था हम उसको बेस लेके अगर बात करें, ओके, क्योंकि टेंटेटिवली हम उसको बता, उतने ही बच्चों ने इस बार भी दिया है या थोड़े ज्यादा नहीं दिया है तो लेकिन क्वालिफाई तो उतने ही परसेंट बच्चे ही होने वाले हैं इस बार भी एवरेज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इस साल जो मार्क्स आए हैं उसको हम लास्ट ईयर के रैंकिंग में डालेंगे तो हमें टेंटेटिव इस साल का हमारा रैंक पता चल सकता है। सही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 600 से लेकर 610 के बीच में मार्क्स आए हैं तो आपके आपका रैंक 172 से 246 तक बन सकता है। सही है। अगर 600 के ऊपर आपका मार्क्स है तो आपका 246 से ऊपर ही रैंक आएगा, ये भी समझ सकते हैं। अगर आपका 541 से 550 यानी कि 450 से ऊपर का रैंक है तो आपका 1700 से लेकर 2300 के बीच में रैंक आएगा। अगर आपका 450 से ऊपर का रैंक है, अगर 450 से ऊपर आपके मार्क्स आए 720 में से तो आपका 16,000 से लेकर 18,000 19,000 के आजू बाजू आपका रैंक आएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, विदाउट एनी कैटेगरी, ऑल इंडिया रैंक। अगर आपके मार्क्स आते हैं मान लीजिए कि 231 से ऊपर तो आपका रैंक आ जाएगा 181,000 से ऊपर, 181,000 से 194,000 के आजू बाजू। ठीक है। अगर आपका मान लीजिए कि 161 के ऊपर आपका रैंक आता है 161 से 170 तो फिर आप पहुंच जाएंगे 3 लाख, 3.25 लाख के रैंक में। ठीक है। तो जितने कम मार्क्स उतना ही ज्यादा हमारा रैंक और जितने अच्छे मार्क्स उतना ही ऊपर हमारा रैंक आएगा, उतना ही अच्छा रैंक आएगा। ये सिंपल सी बात है। ये जो शीट है आप समझ जाइए, आपके जितने भी जो भी आपके रैंक आए हैं वो यहां से टैली हम कर सकते हैं। ठीक है ना। एक एक हमारे सेमिनार को आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इफ आई स्कोर 500 मार्क्स इन नीट देन विच स्टेट कॉलेज आई गेट अंडर स्टेट 85% कोटा। तो ये मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं और आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो आप टोल फ्री नंबर पे या जो आपके करियर काउंसलर हैं मेरे टीम में बुक माई एडमिशन में, आप उनसे पर्सनली पूछिएगा तो दे विल डेफिनेटली टेल यू। व्हाट इज कट, दूसरा क्वेश्चन आया है व्हाट इज कट ऑफ नीट एग्जाम फॉर दिस ईयर। ओके, वो टेंटेटिवली मेरे को हम अजम कर अज्यूमशन कर रहे हैं कि 50% के लिए 125 भी अगर किसी के आ जाएंगे तो 50% बन जाएंगे, ऐसा हमारा अज्यूमशन है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम लोग उनको नेक्स्ट वेबिनार में ले पाएंगे। कैटेगरी वाइज नीट 2017 कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है ना। अब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का लास्ट ईयर कैसा रहा। इफ यू वांट टू गेट द एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया अंडर नीट, ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस फर्स्ट। हमारे इंडिया में तो धारणा है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो अच्छा ही होगा और अच्छा होता भी है, रेपुटेशन भी होती है वहां पर, पेशेंट्स का फ्लो भी बहुत अच्छा होता है और पढ़ाने के लिए फैकल्टीज भी काफी अच्छे होते हैं, कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे नहीं है, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस को बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेशेंट्स का फ्लो भी है, जो फैकल्टीज वगैरह रिक्रूट होती हैं वो तो खैर एमसीआई के नॉर्म से होती हैं तो अच्छी ही होती हैं।
तो हमें चाहे प्राइवेट में मिले या गवर्नमेंट मिले, फर्क शायद थोड़ा फाइनेंस का पड़ता है, फीस का पड़ता है, बाकी क्वालिटी अगर अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो क्वालिटी में कोई ज्यादा फर्क मैं नहीं समझता। हाँ, अगर फॉरेन मेडिकल कॉलेज से कंपेयर की जाए तो कई कॉलेजेस को हम फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे कि उनका कुछ डिफरेंशिएशन निकल सकता है। इट विल हेल्प यू टू चूज द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एज पर द रैंक ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। NEET UG program has two courses. One is MBBS and second is BDS. Here, the opening and closing NEET cutoff are like this. Government Medical College में obviously top post rankers को admission होता है, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका rank आया 5500 के ऊपर और आप general category को belong करते हैं, तो आपको government college मिल सकता है, ठीक है? अगर आप कोई स्टूडेंट है जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, तो अगर उनका 6000 के आजू बाजू अगर रैंक आ जाता है तो उनको भी सीट मिल सकती है। अगर एससी है और 38000 के आजू बाजू उनका रैंक आता है तो पिछले साल भी सीट उनको मिल गई थी। अगर एसटी है तो 62000 पर भी सीट मिल गई थी। अगर जनरल कैटेगरी में पीएच है तो 3.25 लाख रैंक पर भी सीट एमबीबीएस सीट मिल गई थी। अगर ओबीसी में हैंडीकैप्ड है तो 2,14,000 पर भी सीट मिल गई थी। अगर एससी में पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उनको 5.5 लाख वालों को भी सीट मिल गई थी, और एसटी में हैंडीकैप है तो उनको भी करीब 5,33,000 वाले स्टूडेंट को भी सीट मिल गई थी। तो ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम है कि हर कैटेगरी को अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कहीं ना कहीं उनको एडमिशन मिल ही जाता है और वो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है? एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं शेयर करना चाहूंगा जो हर साल होती है, द इंटरसी मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टाई ब्रेकिंग। इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग इक्वल मार्क्स इन द नीट यूजी 2018, द इंटरसी मेरिट ऑफ सच कैंडिडेट्स शैल बी डिटरमाइंड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस एज फॉलोस। देखिए, ये क्या हुआ कि मान लीजिए कि 100 बच्चों के 610 नंबर आए नीट में। अब वो क्या करेंगे, 100 बच्चों के 610 आ गए तो सबको एक ही रैंक पे तो रैंक तो दे नहीं सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो नीट में उनका बायोलॉजी का स्कोर देखेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का बायोलॉजी का स्कोर सबसे अच्छा होगा उनको ऊपर की रैंक दे देंगे, जिनका कम होगा उनको नीचे की रैंक दे देंगे। अब उसमें भी अगर बायोलॉजी के मार्क्स इक्वल आ रहे हैं तो फिर वो लोग केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली वो अपनी रैंकिंग डिसाइड कर लेंगे। अब ऐसा भी होगा ही होगा कि 100 बच्चे हैं तो कम से कम 10 के केमिस्ट्री के मार्क्स भी एक ही होंगे, तो उस स्थिति में वो क्या करेंगे कि उन 10 बच्चों में से किसने सबसे ज्यादा गलत जवाब दिए हैं उसके हिसाब से उसकी उन 10 बच्चों की रैंकिंग उस ओवरऑल रैंकिंग के अंदर डिसाइड कर लेंगे। फिर भी उसमें भी कोई ऐसा निकल जाते हैं 3-4 बच्चे जिनके रॉन्ग आंसर भी बराबर दिए हैं, सही आंसर भी बराबर दिए हैं, केमिस्ट्री में मार्क्स बराबर हैं, बायो में मार्क्स बराबर हैं, तो फिर देखा जाएगा कि उनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो जो बड़ा होगा उसको ऊपर का रैंक देंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे का रैंक। तो ये हमारी खासियत है हिंदुस्तान की कि हर चीज का रास्ता, हर चीज को मैनेज हम लोग कर ही लेते हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काबिले तारीफ मैनेजमेंट किया है नीट के द्वारा मेडिकल एजुकेशन को, जो डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटमेंट एडमिशन का कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से पिछले 15 साल से हम लोग इसको देख रहे हैं कि इससे ज्यादा अच्छा तरीका पिछले 15 साल में नहीं था, इससे ज्यादा रिफाइंड, इससे ज्यादा ऑनेस्ट और ईमानदारी से डिजर्विंग कैंडिडेट्स को एडमिशन देना का बहुत अच्छा तरीका है। एक और भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नीट के टॉपर की लिस्ट, नीट टॉपर लिस्ट। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनका जरूर जय जयकार होना चाहिए, दे शुड बी पॉपुलर। तो मिस्टर नवदीप सिंह थे फ्रॉम पंजाब स्टेट, हैज लास्ट ईयर दे हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन नीट और दे हैव गॉट
697 मार्क्स आउट ऑफ 720, ठीक है, 697 आए तो वो फर्स्ट हो गए, अर्चित गुप्ता 695 लाए तो वो सेकंड हो गए, नवदीप फर्स्ट थे, अर्चित गुप्ता सेकंड, सेकंड पे दो थे मनीष और अर्चित, फिर संस्कृत 692 पे आए, उनके वो फोर्थ हो गए, डोगरा अभिषेक 691, 695 वन आए, तीन चार स्टूडेंट्स के, वो सब को फिफ्थ सिक्स सेवेंथ रैंक मिला, फिर 690, इस तरह से जो टॉप 25 स्टूडेंट्स थे उसमें मिनिमम स्कोर था 681 और हाईएस्ट स्कोर ऑब्वियसली 697। तो ये बात हुई, ये हमारा टोल फ्री नंबर है, आप नोट कर लीजिए प्लीज 180, पेन ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए, या 1800 21 22 044। काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि इतने सारे अटेंडी हैं और इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार में इनकी तैयारी करके एक एक करके जवाब दूंगा, या आप कभी भी फोन पे या व्हाट्सएप पे पूछिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अब हम आगे चलते हैं, स्टेट वाइज टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स इन नीट 2018, ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स है, जैसे कि नई न्यू दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है तो उनकी 250 सीट्स है, बीजे मेडिकल कॉलेज है तो 250 सीट्स है, आप क्वेश्चंस पूछते रहिए प्लीज ताकि मैं आंसर जरूर दे दूंगा उनको, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज है 250 सीट्स है, तो इसी तरह से गांधी मेडिकल कॉलेज है आपके हैदराबाद में 150 सीट है, तिरुपति में एसवी मेडिकल कॉलेज है 150 सीट है, सूरत में जो है आपका सूरत म्युनिसिपल का जो एसएमआईएम जो है वो 150 सीट्स है वहां पर, ठीक है ना, तो चेन्नई में जो है स्टैनली वो 150 सीट्स है, न्यू दिल्ली में जो नॉर्थ दिल्ली है वो 150 सीट्स है, विजयवाड़ा में सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज है 100 सीट्स है, राजकोट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय है 100 सीट्स है, अकोला में गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें 100 सीट्स हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से कोलकाता में जो कॉलेज ऑफ मेडिसिन है सागर दत्ता हॉस्पिटल है उसमें भी 100 सीट्स हैं, तो इसी तरह से मैं कैटेगरी वाइज भी बताना चाहूंगा कुछ कॉलेजेस के एग्जांपल, ताकि आपको ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, और ये क्यों जरूरी है उसका भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपको नीट का रिजल्ट आ जाएगा फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, और वो चॉइस फिलिंग जो होगी वो टोटली आपके आपकी नॉलेज के ऊपर होगी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और कहाँ पर मेरा निशाना लग सकता है, कहाँ पर मेरा एडमिशन हो सकता है, तो ये जानकारी हम जो आज आपको दे रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि आप अपनी चॉइस फिलिंग सही ढंग से भर पाए और अपने चांसेस को इंक्रीज कर सके। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है और जनरल पीएच है, तो उसका जो कट ऑफ था वो कैसा था, फॉर एग्जांपल अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो उसका जनरल कैटेगरी में 8000 कट ऑफ था और एससी में 41000 था, एसटी में 72000 था और अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में पीएच में 319000 था। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अलग अलग कैटेगरी के रैंक में बहुत बहुत डिफरेंस होता है, और आप दूसरे का कैटेगरी का रैंक को देखकर आप डिप्रेस मत होना, हो सकता है कि आपकी कैटेगरी में आपको चांस लग जाए, तो ये चीज बहुत जरूरी है समझने की, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस का। और एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा दोबारा कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो नीट है, नीट में तो करीब 3,500-4,000 कॉलेजेस सीट्स ही हैं केवल इंडिया में, तो ऐसा नहीं है कि जो, और उसमें से करीबन 50% सीट्स तो कैटेगरीज में चले जाएगी, तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं तो ये सोचें कि अगर हमारा 1800 के अंदर अंदर रैंक आएगा, जैसे कि टोटल सीट मान लो कि 3,500 है तो उसका आधा हुआ करीबन 1800-1850, तो अगर आप ये सोचते हैं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की हमारा 1800-1850 आएगा तो ही हमें
ऑल इंडिया में मिलेगा तो ये गलत है। अगर आपका 2800 या 3000 भी आ जाता है तो भी आपको मिल सकता है। उसका रीजन ये है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे वो अपने घर से दूर अगर उनको सीट मिलती है तो वो नहीं जाते हैं, तो वो उस सीट को छोड़ देते हैं और शायद आप लेना चाहें, शायद वो आपके घर पे पास में निकले। तो इसीलिए ये निश्चित नहीं है कि इतने के बाद ही आपको चांस आपका चला जाएगा। रैंकिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। मेरा जो 15 साल का ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि केवल अगर मेडिकल एजुकेशन में आपको जाना है, डॉक्टर बनना है, तो केवल 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 1% स्टूडेंट हर शहर में ऐसे होते हैं जिनको उन्हीं के शहर में मेडिकल की सीट मिल जाती है। ऐसे केवल 1% बच्चे होते हैं जो सुबह मम्मी के हाथ से नाश्ता करके और पापा की एक्टिवा को लेकर मेडिकल कॉलेज में जाते हों। अदरवाइज 99% बच्चों को या तो अपना शहर छोड़ना होता है या अपना स्टेट छोड़ना होता है या अपना कंट्री भी छोड़ना होता है। 99% बच्चों को अपना घर छोड़कर ही मेडिकल एजुकेशन मिलती है, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। अगर शहर में नहीं मिलेगा तो स्टेट के किसी और शहर में मिल जाएगा, अगर स्टेट में नहीं मिलेगा तो बाजू वाले स्टेट में या दूर वाले किसी स्टेट के किसी शहर में मिल जाएगा। अगर आपके देश में आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है तो शायद बाजू के किसी कंट्री में या दूर के किसी कंट्री में मिलेगा। मिलेगा जरूर, लेकिन आपको लोकेशन आपकी चेंज करनी होगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज्यादा इच्छा है डॉक्टर बनने की और आप कितना दूर आपके घर से जाने के लिए तैयार हैं। जाना तो होगा ही, घर तो मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये है ही कि उनको अपना घर बाहर तो छोड़ना ही होगा। दूसरी बात, इसमें कॉस्ट की भी ऐसी है जो हमने कॉस्ट के ऊपर बात की थी कि जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, जितने ऊपर आपका रैंक आएगा, आपके मम्मी पापा का खर्चा उतना ही कम होगा। गवर्नमेंट तो आपको 4,500 रुपए में भी पढ़ाने को तैयार है, लेकिन उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग भी आनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग लाइए, अपने मम्मी पापा के पैसे बचाइए। सही है, ये नंबर आप नोट कर ही लिया होगा आपने। अब हम आगे चलते हैं। ये मेडिकल कॉलेजेस की बात भी हमने कर ली, कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन की बात भी कर ली। कुछ कॉलेज एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर जो वो अपना जो कोटा देते हैं ऑल इंडिया में वो केवल ओबीसी को देते हैं, जैसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, वो उन्होंने डेडिकेट कर रखा है अपना कोटा। ठीक है, अब सवाल आता है, काफी टाइम हो गया है तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट में डिस्कस कर लूं कि व्हाट टू डू आफ्टर नीट रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो रिमेंबर दैट द रिजल्ट डिक्लेरेशन इज नॉट द एंड ऑफ द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इट्स अ बिगनिंग ऑफ अनदर फेज। ओके, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द नीट रिजल्ट 2018 कट ऑफ मार्क्स, द काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट। देयर विल बी टोटल 3 राउंड्स, नेमली राउंड 1 एंड 2, एंड एडिशनली मॉप अप राउंड विल बी कंडक्टेड टू फिल वेकेंट मेडिकल यूजी सीट्स थ्रू नीट काउंसलिंग 2018। जब आपका ये नीट का रिजल्ट निकल जाएगा ना, फिर आपकी शुरू होगी असली मेहनत और असली तैयारी, जब आपको अलग अलग काउंसलिंग्स में जाना होगा, आपको अपनी चॉइस बननी होगी, सबसे पहले ऑल इंडिया में फाइट करना होगा, फिर स्टेट में फाइट करना होगा, राइट। ऑल इंडिया में 15% टोटल सीट्स हैं और रिमेनिंग 85 सीट्स आपके स्टेट में ही है, तो आप उसके लिए भी आपको अपना फॉर्म दोबारा भरना होगा, पहले फॉर्म AIQ के लिए और दूसरा फॉर्म स्टेट कोटा के लिए। After the NEET result, the DGSS finalized the dates for online admissions for all India quota, deemed university and central university admissions. Students need to register online and pay fee online in all the categories, AIQ, deemed if applicable, NRI also, whatever you are eligible and whatever you want. On the declared dates, you are required to fill choices of colleges with no bar on number of choice. आप कितनी भी चॉइस भर सकते हैं, आप तो मैं तो कहता हूं नीचे तक पूरी चॉइस भर दीजिएगा। द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड ऑन द स्टिपुलेटेड डेट्स। द प्रोसेस फॉर स्टेट एडमिशंस आर डन कीपिंग इन माइंड द AIQ डेट्स इन कंसीडरेशन, दे स्टार्ट आफ्टर AIQ एडमिशंस चॉइस फिलिंग इन ओवर। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आल्सो नाउ फॉलो ऑनलाइन प्रोसेस,
some steps, same steps you have to follow, which you have followed for all India, same you have to follow for state. NEET rank letter is required at the time of NEET counseling. So the candidates must carry rank card along with the other important documents when they will be called for the counseling process. NEET rank card aapke liye bahut important hai. Jab bhi aap aapke counseling ke liye jayenge to wo zarur rakhiyega kyunki wahi batayega ki aap pure India mein aur pure state mein kahan stand karte hain. Where I stand, right? So I would like to close this session. This is the first part of the story of you become doctor. It's nice sharing and discussing this data with all of you. Hope this will help you to make your MBBS admission strategies and help you to realize your dream. We at BookMyAdmission wish all the best for your all future endeavors. We will always be contactable for any of your queries related to career in health science India or globe. Right? We have our my team members, Aarti ma'am in Ahmedabad, Jayanti sir in Ahmedabad, Romesh sir in Ahmedabad, Gujarat, Ashwin sir in Bangalore, Karnataka, Dev Smita ma'am in Bangalore, Karnataka, Vinu sir in Tamil Nadu, Coimbatore, Milin sir in Hubli, Abhishek sir in Kolkata, Anand sir in Lucknow, UP, Ritesh sir in Nagpur and Maharashtra, that side of Maharashtra, and Saurabh sir in Mumbai, Pune, this side of Maharashtra. Arshna ma'am in Vadodara, Brijesh sir, Hajda ma'am, Gayatri ma'am, and me, we all are taking care of Rajasthan, Gujarat, and North India. So you can always keep in touch with us for any of your query regarding MBBS. God bless all of you, and aapko aapki pasand ka jo career aapne choose kiya hai MBBS ka, jarur jarur mile. BookMyAdmission is to assist students and parents for choosing and enrolling in the educational program which fits completely for them, and finally help them achieving the desired career which leads to a wonderful and contented life for them. It's a digital initiative of Mentor, supported by career advisors spread over the world, trusted through work since 2004 as a career advisor and official admission facilitator, working together with most appreciated avenues of learning, institutes, colleges, and university globally. So thank you all of you for your patience, and I hope you will join me in next webinar also, which will be with a different topic. And मैं आपको बता दूं कि ये इसी टॉपिक पे हमारा कल शाम को भी दो वेबिनार्स होने वाले हैं. तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये वेबिनार नहीं अटेंड किया, अगर आपको ये वेबिनार मेरा अच्छा लगा हो तो आप उनको वो वाला वेबिनार कल जो होने वाला है उसको शेयर, उसको अटेंड करने के लिए जरूर उनके साथ लिंक शेयर कीजिएगा. और आपके लिए हम एक अलग नेक्स्ट वेबिनार लाएंगे, इसके बाद की जो स्टोरी है वो शेयर करेंगे. उसका नाम भी दूसरा होगा, उसका लिंक भी दूसरा होगा, और वो भी आपको हम जरूर टाइमली इंटीमेट करेंगे. ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर संडे. और आपके आज मदर्स डे है तो आपकी मदर्स को मेरा भी प्रणाम, और ऑल द बेस्ट, सेव, टेक केयर.